कि जो अभी आपने बात कही थी, मैंने अंदर आपकी बात भी सुनी, कि जो पौराणिक ग्रंथों को आधार बनाकर जो हिंदी के अंदर आपने जो एक अनूठा कार्य किया उस जमाने में, उसी पैटर्न पे अब अंग्रेजी के लेखक आ गए हैं उनको, लेकिन वो संस्कार नहीं है जी, वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। मोइली का नाम सुना आपने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र कांग्रेस के केंद्रीय उसमें वो विधि मंत्री जी। उन्होंने मेरी रामकथा जो कन्नड़ में अनुवाद विशेषता हुआ उसकी भूमिका लिखी है, ये सब मुझे मालूम नहीं था, ये उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक रामकथा लिखी है, काव्य लिखा है, उसका हिंदी में अनुवाद हुआ, उस समय मंत्री से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और बहुत बड़ा फंक्शन। वो मेरे घर है, वो अकेले मंत्री हैं जो मंत्री होते हुए मेरे घर आए, मुझे दफ्तर नहीं बुलाया। और उन्होंने कहा कि मैं आपकी रामकथा आपकी कुछ चीज़ों से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उसको अपनी रचना में ले लिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ जी। नहीं कोई बात नहीं, तो परंपरा होती है, हमने वाल्मीकि से ले लिया, आपने हमसे ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने उसकी भूमिका में बाकायदा जहाँ धन्यवाद होते हैं वाल्मीकि से लेकर नरेंद्र कोरी तक सबका नाम लिखा, अंग्रेजी में हिंदी में सबक मांगा। अच्छा, आप मजे की बात जिसके लिए मैंने सुना है कि मंच पर अंग्रेजी को अंग्रेजी में उसको पढ़ करके बोलने वाले वक्ता थे, तो जिस प्रसंग को लेकर के वो बहुत तालियां बजवा रहे थे, बोल रहे थे, वो सारे प्रसंग मेरी किताब से मेरी पत्नी मुझे देख के हंस रही थी, मैं उसको देख के लेकिन मैं उसको मोहली को दोष नहीं देता। मोहली ने ये कहा कि when I was writing, ये उसके शब्द हैं, I was sitting on their shoulders, that's why I look so high and they have come here to bless me, नरेंद्र कोरी। अब वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, अंग्रेजी में प्रशंसा हो रही है। मैंने तो जो पढ़ा, केवल ईर्ष्यावश नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सचमुच उस लेखक को मैंने फोन पे जो मेरे बैठ चुके कहता है कि मैंने मेरे दादा ने आपको पढ़ा, मेरे पिता ने आपको पढ़ा, मैंने आपको पढ़ा, मैंने आपको पढ़ कर मैंने कहा, उसको मैंने कहा कि भैया हिंदी जो वैसे ही बहुत पहले से ही बहुत भ्रांति में है, इतने तरह की राम कथाएँ हैं, अब तुम और ये चौपट बन कर हनुमान बचपन से सीता के मित्र से, हनुमान सीता के चाचा ने उसको मरवाने का प्रयत्न किया, इस तरह की बात अच्छी है। अब बिल पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे इसकी बात कर रहा हूँ, तो अब समझ गया। और अंग्रेजी में जिन लोगों जो लोग पढ़ रहे हैं उनको कुछ नहीं मालूम है, उनको मालूम नहीं, उनकी पृष्ठभूमि नहीं है, उनको उन्होंने वाल्मीकि को नहीं पढ़ा, उन्होंने तुलसी को नहीं पढ़ा, उन्होंने अम्बन को नहीं पढ़ा, उन्होंने कृतिवास को नहीं पढ़ा, उन्होंने अंग्रेजी पढ़ते उनको नया नया जैसे उनका आता है तो वो आया है, वो खुश हो रहे बोले। मतलब मैं कहता हूँ कि वो चेतन भगत ने थ्री इडियट्स नहीं बनाए, इस देश को इडियट बनाया।